हेलो फ्रेंड्स, कोडरनेस में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मोनिश और आज हम बात करेंगे TCS में सर्विस एग्रीमेंट कैसे अपलोड करनी है और कैसे उसे बनानी है, उसका फॉर्मेट क्या है, पूरी बातें मैं डिटेल में बताऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यार पहले वाले वीडियोज़ अगर आपके लिए हेल्पफुल हैं और ये वीडियो भी अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बेल आइकन को दबा दो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं कि सर्विस एग्रीमेंट TCS में कैसे बनाई जाती है और उसका फॉर्मेट क्या है, कैसे क्या करें कि ताकि मेरी सर्विस एग्रीमेंट जो है वो अप्रूव हो जाए। क्योंकि TCS में यार इतने सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि एक एक डॉक्यूमेंट का इतना अच्छे अच्छे से फॉर्मेट उन्होंने दे रखा है कि उसमें थोड़ी सी भी अगर गलती होती है तो वो डिसअप्रूव हो जाता है, वो रिजेक्ट हो जाता है और उसका रिजेक्शन का कारण आपको मिल जाता है। तो इसलिए जब भी आप डॉक्यूमेंट्स बनवाएं तो कहीं से ऐसी वीडियोज़ देख लें। और इस पर मैं अब ये सीरीज शुरू कर रहा हूँ कि कैसे TCS में आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। तो पहला ही मैंने डॉक्यूमेंट लिया है सर्विस एग्रीमेंट को। तो सर्विस एग्रीमेंट बनाने के लिए आपको एक फॉर्मेट मिलता है पूरा 7-8 पेज का, और उस सर्विस एग्रीमेंट को भरना कैसे है उसका एक PDF अलग रहता है कि इस नंबर पे ये वाली चीज़ भरनी है, इस नंबर पे ये वाली चीज़ भरनी है, राइट। तो ये काफ़ी अच्छा TCS ने कर रखा है कि एक फॉर्मेट दे रखा है और फॉर्मेट में फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या ऐसी चीज़ें भरनी है उसका भी डिटेल एक PDF में उन्होंने दे रखा है। तो घबराने वाली बात नहीं है, अगर आप एक एक इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ते जाएं तो आपकी सर्विस एग्रीमेंट कभी गलत नहीं होगी। अब सर्विस एग्रीमेंट प्रिंट कहाँ करें, तो देखिए बाकी के पेजेस तो एज इट इज आप A4 साइज पे प्रिंट करा सकते हो, लेकिन पहला जो पेज है, मतलब पहला जो क्लॉज या पहला जो ऐसा कहे कि पहला जो पैराग्राफ है जो कि सैम्पल 100 रुपीज़ या 50 रुपीज़ के स्टैम्प पे दिया होता है, तो वो चीज़ आपको क्या करनी होगी, वो चीज़ आपको स्टैम्प पे एक्चुअल में प्रिंट करानी होगी। अब स्टैम्प क्या होता है, तो आपको अगर आपके आसपास रजिस्ट्री ऑफिस है, नोटरी ऑफिस है, तो इन सारी ऑफिसेज में पहले से वो लोग 100 रुपीज़ 50 रुपीज़ के स्टैंप रखते हैं, राइट। ये सरकार द्वारा इशू कुछ ऐसे स्टैम्प्स हैं जो कि 100 रुपीज़ आप देते हो तो 100 रुपीज़ का वो स्टैम्प देते हैं। हालांकि इसकी ब्लैक मार्केटिंग होती है, हमें भी पता है और आपको भी पता है कि 100 रुपये का स्टैम्प 100 रुपये में कभी मिल ही नहीं सकता, उसके लिए 150-200 आपको देने पड़ जाएंगे, राइट। तो इसके लिए अब TCS ने आपके पास दो ऑप्शन रखा है। सबसे पहले तो आप फॉर्मेट डाउनलोड कर लो, वो PDF देख लो कैसे फॉर्मेट में भरनी है, राइट। बाकी पेजेस को आप भर सकते हो, लेकिन पहला जो पेज है वो आपको या तो 50 रुपीज़ के स्टैम्प पे प्रिंट कराना है, तो 50 रुपीज़ के दो स्टैम्प लगेंगे, राइट। अब ध्यान से सुनने वाली बात है, एक अगर 100 रुपीज़ का आपके पास स्टैम्प है और उसके बदले अगर 100 रुपीज़ का स्टैम्प आपको नहीं मिलता है तो उसके बदले आप 2 50 रुपीज़ के स्टैम्प रख सकते हो, राइट। तो ये एक अच्छा काम उन्होंने किया है कि अगर आपके यहाँ 100 रुपीज़ का स्टैम्प अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसकी ब्लैक मार्केटिंग होती है और इतनी कम मात्रा में मतलब मिलती है कि और खरीदने वाले काफ़ी लोग होते हैं, तो हो सकता है कि 100 रुपीज़ का स्टैम्प आपके यहाँ न मिले, 50 रुपीज़ का स्टैम्प मिले, तो 50 रुपीज़ के आप दो स्टैम्प ले सकते हो, 50 50 100, और पहला जो पेज है वो 50 50 रुपीज़ के स्टैम्प प्रिंट करा के बाकी सेम पेजेज आप अटैच कर सकते हो, राइट। अब इसको भरना कैसे, भरने का मैंने बता दिया कि उन्होंने एक अलग PDF दे रखा होता है और फिल इन द ब्लैंक जहाँ होता है वहाँ पे नंबरिंग दी हुई है, तो 1 2 3 4 ऐसे करके बहुत सारा नंबर 30-40 तक नंबर रहता है, मतलब 30-40 ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं, वो आपको भरने होते हैं, राइट। अब वो फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए उन्होंने पूरा एक डॉक्यूमेंट दे रखा है जिसमें एक नंबर पे आपको दिया जाएगा कि नेम ऑफ द कैंडिडेट या TCS किसका नाम रखना है, क्या चीज़ रखनी है, सिक्योरिटी क्या नाम कैसे रखना है, सब कुछ वो डिटेल में दे रखे होते हैं। आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप उस स्टैम्प को देखो और साथ में उस PDF को रख लो और PDF से देख देख के एक एक चीज़ आप भर सकते हो, राइट। उसमें कोई गड़बड़ होने की चांसेस नहीं है, अगर आप थोड़े से भी केयरफुल हैं तो वो गड़बड़ नहीं होगी। स्टैम्प प्रिंट कराते समय आप अगर किसी प्रिंटआउट शॉप पर जाते हैं तो वो चीज़ें अब क्लॉज में यार चेंजेस नहीं होता, कई बार क्या होता है कि क्लॉज में चेंजेस लोग कर देते हैं उसको सही से फॉर्मेट करने के लिए, बिल्कुल नहीं। जैसे क्लॉज है जिस लाइन में जितने वर्ड्स हैं सब कुछ आपको सेम रखना है, कोई भी चेंजेस नहीं करने उसमें, ना ही कमा का, ना ही फिल इन द ब्लैंक्स का, कहीं जो चीज़ें जहाँ है वहीं रखने। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप कॉपी पेस्ट का ऑप्शन कर सकते हैं, क्योंकि जो PDF आती है वो सॉफ्ट कॉपी होती है, राइट, हार्ड कॉपी नहीं होती। तो उसमें क्या होता है कि आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, तो वो कॉपी पेस्ट करके आप एग्जैक्टली सेम जगह पर चिपकाएं, मतलब प्रिंट जब लें तो मैं तो ये कहता हूँ कि जब भी आप प्रिंट लें तो एक आध प्रिंट आउट जो है आप नॉर्मल पेजेस पर लेके फिर उस पेजेस के ऊपर रख लें। जैसे स्टाम्प मान लीजिए मेरा 100 रुपीज़ के नीचे है, मैंने A4 साइज पर वो प्रिंट लिया पहला पेज और उस पर रख लिया और देख लिया कि ये प्रिंट एक्चुअल में करेगा कहाँ, अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ है तो उसको आप रीफॉर्मेट कर ले वर्ड फाइल में या एक्सेल में जहाँ पे आप सहूलियत हो और उसको बोले कि बार बार प्रिंट करे अलग अलग पेजेस पे जब तक कि आपका सही फॉर्मेट नहीं आ जाता, क्योंकि एक बार अगर आप स्टैम्प पे प्रिंट कर लेते हो तो वो आप चेंज नहीं कर सकते। इसलिए पहले A4 साइज पे प्रिंट करा के बार बार देख लें और उस पे ऊपर रख लें कहाँ पे वो आ रहा है एक्चुअल चीज, A4 साइज को प्रिंट करा के ऊपर रखना और नीचे स्टैम्प रख के चेक करना है कि वो कहाँ पे एक्चुअल में वो लैंड करेगा अगर मैं एक्चुअल स्टैम्प पे प्रिंट लूंगा तो।
और जब तक आपकी सही फॉर्मेटिंग नहीं होती, जब तक आपका स्टैम्प पे सही से प्रिंट होने वाला प्रिंट आउट ना निकले, तब तक आप स्टैम्प पे प्रिंट आउट ना लेना, क्योंकि स्टैम्प एक बार आप प्रिंट आउट ले लोगे तो फिर आपकी मतलब क्या कहेंगे, वो स्टैम्प भी खराब हो जाएगा और फिर से नए स्टैम्प के लिए फिर भागम दौड़ी करना पड़ जाएगा। अब सब कुछ हो जाने के बाद स्टैम्प पे मान लीजिए आपने प्रिंट करा लिया, अपने सातों पेजेस जितने भी आप भर लिए, अब इसमें एक चीज़ और आती है कि स्योरिटी। स्योरिटी एक ऐसा ग्रांटर पर्सन होते हैं जो कि आपके सर्विस एग्रीमेंट के लिए वो ग्रांटर बनते हैं, राइट। अब वो ग्रांटिंग अमाउंट क्या होता है, वो होता है 50,000 का। अगर आप एक साल से पहले, मान लीजिए अगर एक साल का आपका एग्रीमेंट बन रहा है TCS के साथ, तो एक साल के पहले अगर आप TCS को छोड़ते हो तो उनको 50,000 पे करना होगा उस सिक्योरिटी को। अब सिक्योरिटी कौन से पर्सन हो सकते हैं, सिक्योरिटी वो पर्सन हो सकते हैं जो कि इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो या फॉर्म 16 भरते हो। अब फॉर्म 16 क्या होता है, फॉर्म 16 यार आपको जानने की जरूरत नहीं है, अगर कोई इनकम टैक्स रिटर्न भरता होगा तो वो फॉर्म 16 जरूर भरता होगा, और जो भी फॉर्म 16 भरता होगा बस उस फॉर्म 16 का प्रिंट आउट लेना है उनका, और साथ में उनका पैन कार्ड ले लेना है, और पैन कार्ड पे साइन, फॉर्म 16 पे साइन, हर जगह पे उनका एक्चुअल साइन करा लेना है जो कि पैन कार्ड पे है। अब आप जितने भी सर्विस एग्रीमेंट का कंटेंट देखेंगे, हर एक पेज पे सिग्नेचर ऑफ द सिक्योरिटी, सिग्नेचर ऑफ द सिक्योरिटी होगा, सब पे उनका साइन एक्चुअल वाली लेनी है जो कि उनके पैन कार्ड पे है। पैन कार्ड और वो साइन डिसमैच नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल मैच करनी चाहिए, राइट। तो वैसी साइन उनके लिए लें। तो सिक्योरिटी कौन से पर्सन हो सकते हैं, जो कि इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो या फॉर्म 16 भरते हो, राइट। तो वो पर्सन जो होते हैं आपके सिक्योरिटी हो सकते हैं। अब ये सारे काम मान लीजिए आपने कर लिया, सिक्योरिटी का साइन ले लिया, आपने फॉर्म भर दिया, स्टैम्प पे प्रिंट करा लिया, उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद यार आपको किसी नोटरी ऑफिस पे जाना है, उनको 100-200 जो उनका चार्ज होगा देना है, और उनका मुहर जो है, उनका स्टैम्प जो हर एक पेजेस पे लगवा लेनी है, और लास्ट में वो आइडेंटिफाई वाला उनका जो स्टैम्प होता है वो लगवा लेना है, सिग्नेचर ओके करा के फिर वहाँ से चला के फिर आप PDF बना के अपलोड कर सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस रहने वाला है सर्विस एग्रीमेंट के लिए। अब सर्विस एग्रीमेंट कैसे करना है, इसमें बिल्कुल गलती मत करिएगा, जब भी आपको अपलोड करना हो सर्विस एग्रीमेंट तो गलती मत कीजिएगा। मैं यहाँ कोई PDF या कोई भी ऐसी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करूँगा, वो आप जब सिलेक्टेड होंगे तो आपको खुद वहाँ से इंस्ट्रक्शन आएगा। मैं यहाँ पर सिर्फ ये बताता हूँ कि कैसे आप इस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हो। आपके हाथ में जब होगा और मेरी वीडियोज़ को आप साथ में देखेंगे तभी समझ आएगा। आप ऐसा नहीं होगा, आप सिलेक्शन ना हुआ हो, आपके हाथ में सर्विस एग्रीमेंट ना हो और फिर ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। जिनका सिलेक्शन हो गया, जिनके पास सर्विस एग्रीमेंट है, बस वही लोग इस वीडियो को समझ पाएंगे। और देख रहे हैं यार पसीना हो रहा है, तो पसीना बहा बहा कर ये वीडियो बनती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को तो सब्सक्राइब करो ही करो, क्योंकि 1000 मतलब कंप्लीट होने में कुछ ही सब्सक्राइबर्स बच रहे हैं, तो जितने जल्दी आप लोग कर पाएंगे उतना ज़्यादा मुझे और मोटिवेशन मिलेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, बाय।